हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम रणथंभौर टाइगर रिज़र्व के बारे में बात करेंगे। इस रिज़र्व में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं और इस रिज़र्व में उपस्थित होटल के बारे में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर भारत के बड़े उद्यानों में से एक है। यह जयपुर से 130 किलोमीटर दक्षिण और कोटा से 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में राजस्थान के दक्षिणी जिले सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर उद्यान को भारत सरकार द्वारा 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से एक घोषित किया गया था। 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया। 1984 में पास के ही जंगलों को सवाई मानसिंह अभयारण्य और केला देवी अभयारण्य घोषित किया गया। 1982 में उत्तर के निकटवर्ती केला देवी अभयारण्य और दक्षिण में सवाई मानसिंह अभयारण्य सहित अन्य जंगलों को शामिल करने के लिए टाइगर रिजर्व का विस्तार किया गया। आज यह 1334 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान में मुख्य रूप से बाघ, सांभर, चीतल, नीलगाय, जरख और चिंकारा पाए जाते हैं। यह भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है, लेकिन इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के वन्य जीव इसी अभयारण्य में पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में त्रिनेत्र गणेश जी की मंदिर भी है और जोगी महल भी स्थित है। इसी जोगी महल में टूरिस्ट आके रुकते हैं। इस अभयारण्य में घूमने के लिए राजबाग, गिलाई सागर, पद्मला तालाब, मलिक तालाब, लाहपुर एवं मान सरोवर और भी कई सरोवर हैं। अभयारण्य के वनों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ये थी पूरी जानकारी रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।